लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड व्हेन दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू डेफिनेटली दे विल चेंज देयर बिहेवियर दिस इज व्हाट ही वांट अस टू से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट डू वी वांट इन द प्रेजेंट टाइम आज अगर हम चेंज की बात करते हैं सो वी से दैट हमें डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा ओके वी शुड बी एक्सेप्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सब हम बोलते हैं कि लाइफ पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके का चेंज लेके आना है डेमोक्रेसी को बढ़ाना है फर्स्ट थिंग इज़ दैट डेमोक्रेसी हमारे हार्ट में होनी चाहिए। बेसिक पॉइंट आप अपने आप को बदलेंगे लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे इसके बिना वो आपकी बात नहीं सुनेंगे पीपल विल से भाई ये आदमी खुद तो प्रैक्टिस करता नहीं है तो हम क्यों अपने आप को बदलें वहां है अगर आप जो बोल रहे हो वही आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो पीपल प्रैक्टिसन वील न्यूज पेपर तो आके शुरू करेंगे यहाँ पे बेसिकली दिस अडानी स्टिल यू कैन से प्रोलोंगिंग अभी तक चल रहा है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें भी यहाँ पे बोलना चाहिए एटलीस्ट सेबी से सवाल तो करना चाहिए कि भाई आपने किया क्या है बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनका रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओके अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्टॉक्स वहां पे सेबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कोई अपने एक शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहा है तो सेबी उसको रोकेगा ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज अडानी शेयर आर फॉलोइंग विद स्पेक्यूलेशन शेयर मार्केट स्पेकुलेशन भी चलती है जरूरी नहीं है कि सेबी का ही बेसिकली सारा रोल सेबी करेगा ऐसा नहीं होता है कुछ चीजें सेबी कंट्रोल कर सकता है कुछ सीबी कुछ चीजें सेबी कंट्रोल नहीं कर पाएगा दैट्स द पॉइंट हेयर और यही चीज हमें यहाँ पे दिखती है कि सेबी के कंट्रोल में काफी चीजें होंगी क्या वो जो एक्शंस लेने थे क्या सेबी ने लिए ये सवाल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है यहाँ पे सो so बेसिकली जब हम सेबी की बात करते हैं इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी मींस बैक्ड बाय लॉ किसी कानून के तहत इसे बनाया गया है सो इट हैज बीन प्रोविजंड अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 इट्स अ क्वैजी लेजिस्लेटिव एंड क्वैजीJudicial बॉडी ओके ये नोट डाउन कर लेना प्रीलिम्स के लिए

वर्थ हंड्रेड करोड़ और मोर ओके अब देखो ये एनी मनी पुलिंग स्कीम क्या होती है तो बहुत सारे जो है चिट फंड्स और वो सारी स्कीम्स की बात होती है अब ये फैक्ट कहता है कि बहुत सी स्कीम्स जो चिट फंड है जहां पे अमाउंट हंड्रेड करोड़ से ज्यादा हो जाता है सेबी उनको भी रेगुलेट कर सकता है दैट्स द पॉइंट एंड देन इट इज इट हैज दिस पावर टू अटैच एसेट्स केस ऑफ नॉन कंप्लायंस

ये कंबाइंड रीजन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अब डोमेस्टिक रीजन क्या हो सकते हैं अक्सर ये हम बात करते हैं की। तो उसके अंदर बहुत से एरियाज हैं जहां पे हम लैग करते हैं मैन्यूफेक्चरिंग को लेके अब जैसे आप देखिए कोस्ट ऑफ पावर पावर इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी सो

स्ट्रीमलाइन कर दिया तीन कोड बना दिए उसके अंदर सारे लेबर लॉस डाल दिए हैं ये भी हमने कर दिया है लेकिन अब आप इसको देखें कि क्या वो इम्प्लीमेंटेशन में आगे हैं क्या वो वाकई इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर ओके सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर स्टिल प्रिवेलिंग मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर आप बात करोगे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे अभी भी स्कोप है uh, एक और एरिया है दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओके तो कोई कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होता है कि नहीं इंडिया के अंदर दैट्स द प्रॉब्लम अब कोई कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा नहीं कर रहा उसके बाद जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत लंबा है आर्बिट्रेशन वगैरह 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 सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी फेस अब मैनुफेक्चरिंग सेक्टर भी इसके अंदर ही लपेटे में आ जाता है रॉ मटेरियल कुछ चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आया

इन डेप्थ डिस्कशन नहीं हो पाता जब नंबर ऑफ डेलीगेट्स बहुत ज्यादा है तो आप किन किन को बोलने का मौका दोगे ओके? Okay? और इम्पोर्टेंट जो एरियाज ऑफ डिस्कशन पे इन डेप्थ डिस्कशन होनी चाहिए वो डिस्कशन नहीं हो पाता सो दैट्स द प्रॉब्लम सो वी नीड टू द न्यू थीम्स देखो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को लेके नए नए मुद्दे आ रहे हैं

डार्क वेब क्रिप्टो मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम ड्रोन एंड जो एग्जिस्टिंग हमारी ट्रेडिशनल तो प्रॉब्लम जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काउंटर टेररिज्म ड्रग ट्रैफिकिंग बॉर्डर इश्यूज सो ये ट्रेडिशनल चल रही हैं अब ये कहते हैं कि इन मुद्दों पे ब्रेन स्टोमिंग नहीं हो पाती क्योंकि इतने सारे डेलीगेट्स हैं कितनों को आप बोलने का मौका दोगे अगर सब लोग बोलेंगे तो सबके पास थोड़ा थोड़ा टाइम होगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर कल्चर देन यू हैव टू मेक श्योर दैट आज की डेट की प्रॉब्लम्स आपको समझनी पड़ेगी एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू क्राउड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट िटी इज फास्ट क्राउड एकदम से वॉल्यूम में आ जाता है एकदम से प्रोटेस्ट होगा तो लोग बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है उनका एंड इट इज वेरी फास्ट सो वट इज रिक्वायर्ड इज दिस यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड अब क्राउड की साइकोलॉजी आपको यहां पर समझनी पड़ेगी ये करना बहुत जरूरी है पूरे के पूरे इवेंट्स को ऑब्जर्व करते रहे जहां आपको लगे की हालात बिगड़ने वाले हैं वहां आपको इंटरवीन करना पड़ेगा रेगुलर मोनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको दैट द पॉइंट सोशल मीडिया मोनिटर करना पड़ेगा की सोशल मीडिया पे लोग कितना गुस्सा हो रहे हैं क्या वहां पे आजकल की डिबेट चल रही है रेगुलर मोनिटर करके आपको पता लगेगा कि क्राउड कैसे बिहेव करेगा वहां आप एडवांस में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो तो सबसे जरूरी चीज ये है आपको जो समझनी है नाउ यू हैव टू हैव फ्रेश सेट ऑफ स्किल्स अब जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको एक स्किल लेके आना पड़ेगा देखो दो टाइप के ऑफिसर होते हैं एक होते हैं रिएक्टिव ऑफिसर मतलब रायट्स हो गए झगड़ा हो गया क्राउड ने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़फोड़ दिया उसके बाद आप जा रहे हो पुलिस लेके और जी अब मैं पूरी क्राउड को तितर बितर कर दूंगा ये है रिएक्टिव ऑफिसर दूसरा है प्रोएक्टिव ऑफिसर प्रोएक्टिव ऑफिसर क्या कर रहा है वो अंडरस्टैंड कर रहा है जैसे ही उसको लगा हालात बिगड़ने वाले हैं वो इंटरवीन करेगा और मेक श्योर sure करेगा कि हालात ना बिगड़े वी वॉन्ट दैट टाइप ऑफ ऑफिसर एट प्रेजेंट वो आज की डेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्राउड बिहेवियर क्राउड साइकोलॉजी वो चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे लोग एकदम से वायलेंट हो सकते हैं वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा

िटी एंड नॉट ओनली भी आपके पास होनी चाहिए भाई आज कल तो ड्रोन से मोनिटरिंग कर रही चल रही होती है क्राउड कहाँ चल रहा है तो बात है कि पुलिस इज अटेट लिस्ट सब्जेक्ट ओके अब पुलिस है आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट और प्रॉब्लम क्या है डिफरेंट स्टेट दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज तो दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस चंडीगढ़ पुलिस दे हैव द कैपेसिटी उनके पास रिसोर्सिस हैं बट ऑल द स्टेट दे माइट नॉट बी है तो पहली बात तो ये एक मेक श्योर sure करनी पड़ेगी दैट देर विल बी यूनिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस अक्रॉस द कंट्री ऐसा चलेगा ही नहीं काम कि सिर्फ कुछ स्टेट्स की पुलिस आपने मॉडर्नाइज कर दी उनके पास ड्रोन हैं लेटेस्ट वेपनरी है वो आराम से लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं और बाकी जो स्टेट्स जितने फाइनेंशियली इतने वेलोप नहीं है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो पॉइंट जरूरी है हमें समझना है यहाँ पे अब बात ऐसी है कि आज

उस क्राउड को उन को एलियनेट कर दिया, क्योंकि तो आपने गोली चला दी लोगों में लोग सौ तो so, पुलिस वाले हैं, दस लोग बात आपको भी समझ में आनी चाहिए सो इन दिस केस यू हैव टू डील समझ के साथ अपनी अकल के साथ बातचीत के थ्रू आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा यह बात समझना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि तो बहुत बार ऐसे होता है पुलिस जो है वो कम नंबर में रह जाती है भीड़ दस दस हजार की तो मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो पहले आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि क्राउड एक साथ इतना बड़ा हो ही ना वो प्लान आपको करना पड़ेगा दैट्स द पॉइंट हियर देन अदर थिंग इज दिस तो अगर हाई हैंडेड होंगे तो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट डिवाइड बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड पब्लिक पब्लिक तो वैसे विश्वास नहीं करती वो विश्वास जो है वो और नहीं करेगी आपके ऊपर दैट्स द पॉइंट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट मीन वी हैव टू ट्रेन पुलिस मॉडर्न जो मेथड है क्राउड मैनेजमेंट के उसमें आपको अपने पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा दैट्स द पॉइंट हेयर ओके अब दूसरी चीज है ऑफिसर्स को जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बदलना पड़ेगा यू हैव टू मैंशन अबाउट दीज डेवलपमेंट्स सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये सब डेवलपमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे कि क्या ये ऑफिसर इस तरीके से सोच सकता है क्या ये क्राउड की साइकोलॉजी समझने को तैयार है क्या ये फ्लेक्सिबल है ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगर हैप्पी पुलिसमैन एकदम सारे भर्ती कर लो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम हियर बिकॉज दे विल एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओपन सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन के मीडिया में क्या डिबेट चल रही है सोशल मीडिया में क्या डिबेट चल रही है यू हैव टू रेगुलरली मॉनिटर इट समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे लोग इन चीजों को लेके कर रहे हैं मतलब दंगा होने का चांस है आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि आने वाले Monitor करके, उसके बाद यू कैन सॉल्यूशन टू द रिक्वायरमेंट हियर ओके सो विक्की गौतम यादव वन पुलिस वन यूनिफॉर्म इज द राइट सॉल्यूशन नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है वो सिर्फ यूनिफॉर्म को जो है एक जैसा बना रहा है बात यहाँ पे उसकी नहीं है रिसोर्स की बात कर रहा हूं मैं मेथड्स वो सेम होने चाहिए ट्रेनिंग वो एक तरीके से थोड़ी आप स्ट्रीम करोगे जो फंडिंग अरेंजमेंट है वो स्ट्रीम करोगे करोगे थिंग्स आर रिक्वायर्ड सो आगे बढ़ते हैं

कैन नॉट इश्यू रिट ऑफरारी और मैंडमसारीर कोर्ट टू रिकन्सिडर द डिसीजन तो यहां पर बात है कि हम दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं ऐसा वो बोल रहे हैं क्योंकि सरश्योरारी और मैंडमस वो इनफीरियर कोर्ट को ही दी जा सकती है

White metal, बहुत तो आप इसको बाहर नहीं रख सकते एकदम से आग लग जाएगी फट जाएगा ठीक है ना तो इसलिए आपको इसको ऑयल के अंदर मिनरल ऑयल में डिपॉजिट करके रखना पड़ता है तो ये प्रॉपर्टीज हैं लिथियम की अब बात ऐसी है कि आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं एंड आज की डेट में आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो आपने प्रोडक्शन uh, लिंक चला रखी करेंगे आप पे बनाओगे, okay, phones, laptops, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप इंडिया में बनाना चाहते हो इन ऑल दो रियली गुड थिंग इंडिया अब देखिए जे एंड के अलावा कर्नाटक के अंदर भी कुछ एक डिपॉजिट मिलते हैं और उसके अलावा कुछ एक प्रोस्पेक्ट्स एरियास हैं दूसरे स्टेट्स में बट ये जे की डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एक तो कंफर्म है कि लिथियम है वहां पे आप वहां से उसे निकालोगे अब बेसिकली लिथियम के साथ यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है ओके okay? जो कि कॉपर का और है वो भी यहाँ पे है सो इन अ वे इट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर अस कॉपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा सो दैट्स द मेजर पॉइंट हेयर ओके अब आगे बढ़ते हैं

के कुछ नहीं हो को आप टारगेट करोगेक्लुसिव डिबेट है कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम ही नहीं है इसके अंदर दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडियन पॉलिटिक्स और यही चीज हमें इम्प्रूव भी करनी है यहाँ पे नाउ अदर देन दैट वेलफेयर पुश इन पोल राजस्थान बजट ओके okay, uh, कुछ खास नहीं यहाँ पे अब देखो uh, okay. so ये problem आती क्यों है? So because initially we allowed this encroachment. पहले तो आपका प्रशासन जो है वो सोता रहा और फिर एकदम से आपका प्रशासन जागेगा कि हाँ अब जो है हमें जाके लोगों को एनक्रोचमेंट से दूर करना है मतलब encroachment को हटाना है तो प्रॉब्लम सो बेसिकली हेयर वी नीड प्रोएक्टिव यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन वही आज की डेट में हम लैंड मैपिंग की बात कर रहे हैं ओके okay? आप लैंड मैपिंग को इमिडिएटली प्रोएक्टिव उनके साथ डील कीजिए नाउ इफ यू आर अलाउिंग जनरेशन टू लिव इन एरिया और फिर एकदम से प्रशासन जागता है कि हम अब इनको हटाएंगे दैट इज नॉट राइट

तो अगली न्यूज पे चलते हैं देखते हैं और क्या यहाँ पे है ओके तो ये तो हो गया ठीक है एंड दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड ओके हाँ जी यूपी प्लेइंग की रोल इन ड्राइविंग इंडिया ग्रोथ ओके तो uh, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होंगी अब टारगेट है कि पीएम इनोग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट व्हिच इज़ की टू यूपीज़ वन ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट

लॉ एंड ऑर्डर अगेन डिपेंड करती हैं तो ये बात हमें समझनी है और यही चीज यहाँ पे पॉइंट आउट भी हो रही है ओके okay. तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा चलिए थिंग अब एडिटोरियल पे आएगी सीधी बात सो वीड दिसल इनर कुछ खास नहीं है अब आगे चलते हैं बैटल अगेंस्ट दाइल्ड मैरिज तो असम गवर्नमेंट इज का बहुत प्रोएक्टिवली वो चाइल्ड मैरिज को वहां पर रोक रहे हैं बट ओफेंस दिखा के डंडा दिखा के चाइल्ड मैरिज रोकना इज इट राइट अप्रोच और बेस्ट अप्रोच क्या होती है देखिए वेन एवर वी टॉक अबाउट गवर्नेंस वी वॉन्ट द सोसाइटी टू चेंज यही हम डिमांड करते हैं ना वेन यू टॉक अबाउट दैट बेस्ट यू कैन से फोकस शुड बी ऑन बिहेवियरल चेंज सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करो उसमें टाइम लगता है इमीडिएटली नहीं होगा बस अगर आपने बिहेवियरल चेंज कर दिया इट्स इंपैक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्ग उसका इंपैक्ट बहुत लंबे तक चलेगा और यह बात समझना जरूरी है हमें अगर किसी ने बिहेवियर चेंज कर लिया मतलब खुद ब खुद लोगों ने यह समझ लिया कि हमें चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है इसका इंपैक्ट बहुत लंबे जाएगा कोर्शन दिखाना द इंपैक्ट विल बी लिमिटेड दैट्स द पॉइंट हियर अब आप कैसे इसको बिहेवियरल चेंज लेके आ सकते हो थ्रू एजुकेशन Give them employment hope. Employment hope means for girls. अगर लड़कियों के लिए नौकरियां होंगी वो एजुकेट हो जाएंगी पेरेंट्स क्यों ही उन्हें बोझ समझेंगे चाइल्ड मैरिज का एक रीजन ये है कि पेरेंट्स विल कंसिडर दैम हैजू बी बर्डन कि ये तो पराया धन है हमारे ऊपर बर्डन है जितनी जल्दी हो सके इनको जो है शादी करवा दो यही थोड़ा प्रोसेस होता रहता है

फोकस शुड बी अराउंड दीज मेजर्स एज वेल इनके ऊपर भी काम करना जरूरी है क्लियर हो गया आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे जरूरी चीज है करें डिफरेंट स्टेट्स को स्टडी करना जरूरी है अब देखिए केरला कैन बी अ राइट मॉडल ओके केरला राइट मॉडल हो सकता है आप स्टडी कीजिए कि व्हाई देयर पीपल आर नॉट मैरिंग अर्लियर क्या है उन्होंने कैसे ऐसे अचीव किया उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत काम किया है

इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी आपको काम करना होता है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कट द सब्सिडी बजट सब्सिडी बजट थोड़ा कम किया है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओके okay? सो so, वो इधर बताया गया है अदर देन दैट देर इज नथिंग मच प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स टू वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र सो मोर वंदे भारत इज गोइंग टू बिकम ओके एंड दिस ईयर रेलवे बजट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा अमाउंट में बजट भी इन्होंने बढ़ा दिया है. तो फ्रॉम राइट right okay. so we'll बढ़ते हैं पे Animal Welfare Board calls cow hug day on. Okay, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है तो आगे बढ़ते हैं ओके चलिए सो लिथियम आयन के बारे में हमने बात कर ली यहाँ पे

ब्लास्ट कर दिया ठीक है ये न्यूज बनी यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है येस्टरडे सम यू कैन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैज बीन रिलीज कुछ तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई यहाँ पे जो ये पॉइंट आउट कर रही थी कि बलून सर्विलेंस के लिए था वो स्पाइंग के लिए था अब ये स्पाइंग किस एरिया में कर रहा था जिस प्रोविंस के ऊपर ये बलून मिल रहा था ओके मोंटेना प्रोविंस है दैट प्रोविंस It has the largest air base in US. तो जो वो, वो प्रोविंस का बहुत बड़ा एरिया है इट मीनस दैट एरिया कैन हैव साइट फॉर स्टोरिंग मिजाइल्स तो मिजाइल्स तो भी वहां पर डिप्लॉयड है दैट्स द अदर थिंग अनदर पॉइंट इज दिस दिस बलून

अब दिस इज़ वट वॉज द न्यूज ओके सो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है अडानी का इशू ही चल रहा है एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ है ओके सो दिस इज़ वट वी हैव फॉर टूडे सेशन दैट्स इट फॉर द डे देन थैंक यू वेरी मच